दीपिका पादुकोण की रिलीज हुई मूवी छपाक के विरोध में साधु संत भी उतर आए हैं। जगन्नाथ धाम के पीठाधीश्वर महंत लोकेश दास महाराज ने दीपिका पादुकोण की मूवी का बहिष्कार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जहां पर देश विरोधी नारे लगते हों, दीपिका पादुकोण को ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए था। अगर उनसे गलती हुई है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता को एक बार जरूर दीपिका पादुकोण को सबक सिखाने के लिए उनकी मूवी का बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह हमेशा दीपिका पादुकोण के बहिष्कार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जेएनयू में धरना दे रहे लोगों का समर्थन करके बड़ी गलती की है। उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी मूवी का बहिष्कार जरूरी है। नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई बार यह कह चुके हैं कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कानून देश हित में है और विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस कानून का विरोध कर रहा है। देखिए, विरोध होना ये तो जायज है ही। जब उनको पता है जो जेएनयू है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाते हैं, जो हमारी संस्कृति का विरोध करते हैं, जब हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे शहीद हुए तो जेएनयू में जश्न मनाया गया, ऐसे लोगों के साथ जो जाके खड़े हैं उनका वास्तव में विरोध होना चाहिए, उनकी मूवी का भी विरोध होना चाहिए। सीए को लेके क्या कहना? देखिए, सीए को लेके जब मोदी जी ने, अमित शाह जी ने 10 बार समझा चुके हैं कि ये किसी की नागरिकता छीनने का बिल नहीं है, नागरिकता देने का बिल है। अब ये नहीं कि जो मोदी जी फैसले ले रहे हैं उसका विरोध ही किया जाए। अब ये नहीं, मोदी जी जो भी फैसले लें विपक्ष उसका विरोध करता है। अरे, राजनीति की अपनी जगह है, देश हित अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। जो भी देश के हित में फैसला उसका समर्थन करना चाहिए और बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस बात को लेकर, विपक्ष को भी कि हाँ, मोदी जी ने ये अच्छा राष्ट्रहित का काम है तो इसका समर्थन किया जाए। दो लाइन कहना चाह रहे हैं मैं, हाँ, इन जिन्होंने मेरे देश को जलाया उनके लिए दो शब्द कहना चाहता हूँ। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियाँ जलाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। लोग हर धड़कते पत्थर को दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। ये उनके लिए जिन्होंने मेरे देश की सामाजिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, और मैं योगी जी से कहूंगा, ये आपने बहुत अच्छा कदम उठाया जिसने मेरे देश को जलाया है। उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर जो भी सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।